हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS एडमिशन के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है, जो CITS का फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 2 तारीख तक अप्लाई होगा। तो बहुत से लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा और बहुत से लोग इसमें अप्लाई करने वाले होंगे। ठीक है, अप्लाई करने से रिलेटेड, ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड आपकी जो समस्याएँ आ रही हैं उसके रिलेटेड मैंने सभी वीडियोस बना के रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट चेक करना है CITS एडमिशन 2021। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को चेक करिए, CITS से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया या अप्लाई करने वाले हैं तो आपके मन में डाउट्स होते हैं कि भैया जो हमारा सीट है, जैसे मान लीजिए आपने फिटर से अप्लाई किया, किसी भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, तो आपके मन में ये जरूर जानने की इच्छा होगी कि जो हमारा ट्रेड है वो किस किस कॉलेज में है और जो फिटर का कॉलेज है वो कहाँ कहाँ पर है और जो टोटल नंबर आप सीट से फिटर की वो कितनी है, यानी कि कितना कंपटीशन इस ट्रेड में होने वाला है। भाई जाहिर सी बात है, जिस ट्रेड में ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे उस ट्रेड में ज़्यादा कंपटीशन होगा और नंबर ऑफ सीट्स पर भी डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन होगा और कितना कट ऑफ उस ट्रेड का हाई रहने के चांसेज हैं। कट ऑफ का वीडियो भी मैंने अलग से बना दिया है पिछले साल का, उसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके पहले, वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट 30 सेकंड का समय, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मॉडल पेपर मैंने बना दिए हैं। नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर उपलब्ध है ऑल ट्रेड वालों के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल में रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है, तो इसके 10 सेट अवेलेबल हैं और सभी ट्रेड वाले इस पेपर को ले सकते हैं। साथ ही साथ फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, ठीक है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रीशियन का फुल मॉडल पेपर उपलब्ध है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां से CITS का कोर्स होता है वो जो कॉलेज होते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है NSTI, दूसरा है NSTI W। NSTI W क्या होता है? वुमेंस, W का मतलब होता है वुमेंस, यानी कि वो कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ITOT। ITOT कॉलेज क्या होता है? जैसे NSTI कॉलेज सेंट्रल का होता है, NSTI W सेंट्रल का होता है, उसी तरीके से ITOT कॉलेज 2 तरह का होता है। इसमें एक होता है स्टेट का ITOT, यानी कि जिस स्टेट में ITOT रहता है ये राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और एक होता है प्राइवेट ITOT। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट ITOT से कर सकते हैं। ITOT वर्सेज NSTI का सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है कि NSTI और ITOT में क्या अंतर होता है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स की किस कॉलेज में, किस स्टेट की कितनी जो है सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रेड लिखा हुआ है और यहाँ पर किस NSTI में, ये हम लोग अभी NSTI की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग NSTI W या ITOT की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए NSTI चेन्नई, NSTI कालीकट, NSTI भुवनेश्वर, इस तरीके से ऊपर जितने भी NSTI हैं उनका नाम दिया गया है और उसके नीचे उस NSTI में किसी ट्रेड की कितनी सीट है वो दिया गया है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए कारपेंटर, तो कारपेंटर की 100 सीट कहाँ पर है? चेन्नई में, और 25 सीट है NSTI हावड़ा में। और यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिया हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कारपेंटर की कितनी है वो है 150। इसी तरीके से आप CHNM का देख सकते हैं, देहरादून में 50 सीट है और हैदराबाद में 50 सीट है। यहाँ पे कितना है? 100 सीट टोटल है, यानी कि अगर आपको CHNM से करना है तो आपको देहरादून या हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा। अगर आप क्या हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स कॉलेज में ट्रेड उपलब्ध है, उनके आसपास कॉलेज है, तो वहाँ से भी कर सकती हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, देखिए जो कोपा वाले छात्र होंगे उन्होंने इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पे देखिए चेन्नई में 25 सीट है, जोधपुर में 25, NSTI लुधियाना में 25। इसी तरीके से आप फर्दर अपना यहाँ पे देख सकते हैं। तो जिन लोगों को देखना है वो अपना स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स में बता देता हूँ, 75 है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से बात करें और ट्रेड की, तो यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल की देख लेते हैं, तो 200 सीट है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 225 सीट है,
ड्रेस मेकिंग की यहाँ पर 50 सीट है, ठीक है। कहाँ पर 50 सीट है? सिर्फ NSTI कानपुर में यहाँ पर ड्रेस मेकिंग की सीट है। बाकी जो गर्ल्स कॉलेज हैं वहाँ पर होंगे, तो उसके लिए आप यूट्यूब में बने रहिएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रीशियन की देखें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 825। और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड देखिए, आपको हल्द्वानी में नहीं मिलेगी, हैदराबाद में नहीं मिलेगी और जमशेदपुर में नहीं मिलेगी। बाकी सभी जगह आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड मिल जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 325 है। ये हम लोग अभी NSTI की बात कर रहे हैं, अभी ITOT में भी आपको सीट मिलेगा, NSTI W में भी सीट मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फिटर की बात करें, तो फिटर की देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 900 हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कब कंपटीशन होगा, यहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। 900 सीट है, लेकिन इसमें फिटर में बहुत से लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है। फाउंड्री मैन के देखेंगे तो 50 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 75 सीट है, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी की यहाँ पे 25 सीट है, और कहाँ पर है, NSTI लुधियाना में। यानी कि अगर आप मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी से करते हैं तो आपको लुधियाना में जाना पड़ेगा। इसी तरीके से देखते हैं और नंबर ऑफ सीट्स, आप अपने जो है जिस स्टेट से रिलेटेड हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल का 350 सीट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का 25 है, मैकेनिक डीजल का 125 है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का 25 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का 125 है। यानी कि देखिए 100 सीट यहाँ पर है, तो आप इसको देख सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। तो कालीकट में एक है और एक NSTI हमारा हावड़ा में जो है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का सीट है। इसी तरीके से MMU का देखिए टोटल 350 सीट है, कानपुर में भी MMU का सीट है। प्लम्बर का देखेंगे तो ओनली 100 सीट है, वो कहाँ पर है, चेन्नई में। पिछली बार बहुत से छात्रों का कमेंट था कि सर चेन्नई हमको जाना पड़ेगा, तो जी भैया बिल्कुल, अगर आप प्लम्बर के छात्र हैं, प्लम्बर से CITS का कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर चेन्नई जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि चेन्नई में ही इसका सीट अवेलेबल है। इसी तरीके से रोडा का देख सकते हैं, 250 सीट है, यहाँ पर कौन से NSTI में इसका वो उपलब्ध है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। सिंह टेक्नोलॉजी का देखें तो सिंह टेक्नोलॉजी का 200 सीट है, जबकि सिंह टेक्नोलॉजी का सीट जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें गर्ल्स के लिए भी अलग से सीट उपलब्ध है, तो वो वहाँ पे भी एडमिशन ले सकती हैं। देखिए ये जो NSTI होता है ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का होता है, अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं, बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं। सीट मेटल वर्कर का टोटल 25 सीट है, टूल एंड डाई मेकर का 25 है, मैकेनिक ट्रैक्टर का 50 है, टर्नर का टोटल 325 सीट है और वेल्डर का टोटल 525 सीट है। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की NSTI में, तो ये है 5875, यानी कि 5875 सीट टोटल आपको NSTI में मिल जाता है। इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं NSTI W की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन NSTI W, यानी कि जो गर्ल्स कॉलेज हैं, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज होते हैं। तो गर्ल्स कॉलेज कहाँ कहाँ पर हैं स्पेशली आप इसको देख सकते हैं, नोएडा में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, त्रिवेंद्रम में है, पानीपत, कोलकाता, तूरा, इंदौर, ठीक है, वडोदरा, इलाहाबाद, जयपुर, शिमला, राजपुरा, पटना, त्रिची और जम्मू में आपका क्या है, गर्ल्स के लिए जो NSTI कॉलेज हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गर्ल्स कॉलेज में ज़्यादातर जो गर्ल्स से रिलेटेड ट्रेड होते हैं वो होते हैं, साथ ही साथ कुछ अदर ट्रेड भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कि एक आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन की यहाँ पे 150 सीटें हैं, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी की 50 सीटें हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 250 सीटें हैं। तो अगर आपके पास बॉयज़ और गर्ल्स वाला NSTI पास में नहीं मिलता, इसमें से कोई NSTI पास में मिलता है, तो आप यहां से कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी की 400 सीटें हैं, DTPO की 75 सीट है, ड्राफ्टमैन सिविल की 50 सीट है, ड्रेस मेकिंग की देखिए वहाँ पर सिर्फ 100 सीट थी, 50 सीट थी कानपुर में, तो यहाँ पे देखिए ड्रेस मेकिंग की टोटल 425 सीट है। और इस बहुत से कॉलेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, NSTI इंदौर में 50 सीट है, NSTI वडोदरा में 25 सीट है, तो यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 175 सीट है, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की 300 सीट है,
ऑफिस मैनेजमेंट की 125 सीट है। अब भैया ऑफिस मैनेजमेंट बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो जिन लोगों ने स्टेनोग्राफी इंग्लिश से किया है वो किस में अप्लाई करेंगे, ऑफिस मैनेजमेंट में अप्लाई करेंगे। आप अपना आईटीआई से रिलेटेड, सीटीएस से रिलेटेड जो सीआईटीएस ट्रेड है वो आप चेक करके तभी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी, यानी कि जो स्टेनोग्राफर हिंदी वाले हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे। और बॉयज़ का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि जो स्टेनोग्राफर हिंदी हैं क्या आप बॉयज़ नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सीट जो बॉयज़ वाले कॉलेज में स्टेनोग्राफर हिंदी का उपलब्ध नहीं है। जब गर्ल्स कॉलेज में है तो गर्ल्स स्टेनोग्राफर हिंदी से सीआईटीएस का कोर्स कर सकती हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी का 100 सीट है, स्विंग टेक्नोलॉजी का सीट एनएसटीआई कानपुर में भी था, बाकी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर स्विंग टेक्नोलॉजी का सीट उपलब्ध है। इसी तरीके से सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स का देखिए टोटल यहाँ पे 75 सीट है। और बात करें तो यहाँ पर NSTIW में 2225 सीट टोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं आगे ITOTs। ये देखिए एक नया जो सेंटर खुला है NSTI वो खुला है पांडिचेरी में, ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की 25 सीट यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन सेंटर पांडिचेरी, तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की 25 सीट जो है उपलब्ध है, वो ये सीट जो है इस साल जोड़ी गई है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ITOT और प्राइवेट ITOT की। ITOT देखिए भोपाल ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, ITOT लखनऊ ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, बीजू पटनायक ITOT ये उड़ीसा गवर्नमेंट का है, इसी तरीके से देवनगर ITOT ये कर्नाटक गवर्नमेंट का है, ये है मलवली कर्नाटक गवर्नमेंट का, और रोहतक ITOT ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट का है। तो ये सभी क्या है, ये जो इधर इतने आपको कॉलेज दिख रहे हैं ये सभी स्टेट के कॉलेज हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सहूलियत आपको मिल जाएगी। बाकी जो यहाँ पे ये जितने कॉलेज आपको दिख रहे हैं आप प्राइवेट कॉलेज हैं, तो यहाँ पे फीस थोड़ी हाई रहती है, अगर आप प्राइवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट से ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इन सब कॉलेज में भी आप यहाँ पे सीट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन का सीट कितना है, 1340 है। कहाँ कहाँ पर है तो बहुत जगह है, भोपाल में है, लखनऊ में है, बीजू पटनायक में है, देवनगर में है, बाकी जितने भी प्राइवेट ITOT हैं सब जगह देखिए यहाँ पे सीट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 140 है, फिटर का देखिए यहाँ पे 1120 सीट है, सब जगह लगभग अगर ITOT और प्राइवेट ITOT से आप करना चाहते हैं तो सब जगह देखिए सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कहाँ से आपको करना है, कौन सा कॉलेज आपके घर के आसपास है और कौन से जगह पर आपको एडमिशन लेना है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ITOT और प्राइवेट ITOT को मिला के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4640 है। तो आप जोड़ लीजिए कि लगभग कितना, 5493 लगभग सीटों की संख्या, अगर गर्ल्स की सीटों की संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो सीटों की संख्या लगभग 12000 है टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स को मिला के, और इसी पे आपको कंपटीशन करना है। और एक आपको जनरल आइडिया लग गया होगा कि अगर आपकी ट्रेड की सीट कितनी है तो उससे जुड़ा जो कंपटीशन है वो कितना होने वाला है। CIT से जुड़े जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स आपके मन में आते हैं, कट ऑफ से रिलेटेड डाउट आते हैं, हॉस्टल से रिलेटेड डाउट आते हैं, CITS करें कि ना करें उससे रिलेटेड डाउट आते हैं, CITS में फॉर्म भरने से लेकर फाइनल एडमिशन कैसे होता है उससे रिलेटेड डाउट आते हैं, सबके वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं। आपको बस एक प्लेलिस्ट चेक करना है CITS एडमिशन 2021, इसमें आपके सभी सवालों के जवाब हैं, सभी सवालों के जवाब आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, या इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि CITS से जुड़ी और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी, ITI डिप्लोमा BTech से जुड़ी जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, अप्रेंटिस जॉब्स आती हैं, उससे रिलेटेड जॉब अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।